पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे, ये अभी लोग रांची दुमकुड़िया में है। आज का बैठक को लेकर बताइए। आज का हमारा जो बैठक हुआ है, आगामी 5 मार्च 2023 को विभिन्न आदिवासी संगठनों का जो साझा मंच बना है, आदिवासी समन्वय समिति, उसके तत्वाधान में आयोजित है और उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं कि इस रैली को हम लोग कैसे सफल करेंगे और रांची शहर के अंदर तमाम वार्ड मोहल्लों गलियों में हमारा जो आदिवासी समुदाय रहता है राजधानी रांची में किन कारणों से ये रैली आयोजित है, इसी पर हम लोग अभी निर्णय किए हैं और इस पर हम लोग फैसला लिए हैं कि कैसे हम लोग उन लोगों के बीच बातों को ले जाएंगे रैली को लेकर के। अभी जिस हिसाब से देखा जाए कि मातो समाज मूर्ति पूरा पूजा पूरा पूरा छोड़ दिया है, यानी कि जितने भी ये लोग हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे, कुछ समुदाय लोग उसको पूरा पूरा लोग छोड़ दे रहे हैं, तो आप फिर भी आप लोग उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे क्या आदिवासी समाज में? हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि आदिवासी रहेंगे तब न उन लोग का आदिवासी स्वीकार करेंगे। आज आदिवासियों का देखा देखी करके तमाम चीज वो नकल कर रहे हैं, मूर्ति पूजा छोड़ रहे हैं, या आदिवासी जो हमारा जो कस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, या आदिवासी वेशभूषा पहन रहे हैं, इसे ये सब करके उन लोग को आदिवासी बनने का ये हम लोग नहीं देंगे। ये सब सरासर हम लोग पर, हमारे हक अधिकार पर, हमारा पहचान पर, हमारे इतिहास पर हमला है और हमारा हमारे ऊपर लोग डोमिनेट करना चाहता है, इस ये हम लोग लोगों को बताएंगे। अभी जिस हिसाब से देखा जाए कि झारखंड का हर लड़ाई में मातो समुदाय आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और झारखंड आजाद, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा हो, चाहे पारसनाथ का लड़ाई हो, हर जगह वो लोग मातो लोग आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस तरह आप लोग अलग अलग करने से क्या आप लोग जीत पाएंगे झारखंड को, यानी कि अपना आदिवासी समाज को? देखिए, ब्रिटिश काल में भी, मुगल काल से लेकर सब लोगों ने अपने अपने जगह पर विद्रोह किया है आदिवासियों, आदिवासी समुदाय हर जगह, और यहां तक झारखंड राज्य की मांग भी जो किया गया था आदिवासी महासभा के विरुद्ध तलिक किया गया था, हम ही लोग सबसे पहले लड़ते रहे हैं, हम ही लोग सबसे पहले शहादतें दी है, हम ही लोग सबसे पहले कुर्बानियां दी है। बेशक बड़ी लड़ाई जब चलती है तो लोग पीछे आते हैं, लोग आए हमारे, हम भी कुर्मी कुर्मी महतो समुदाय के तमाम जो जायज सवाल हैं, जो नीतिगत सवाल हैं, जो गरीबी और बेरोजगारी और उनके तमाम जो लड़ाई है, उनके साथ हम लोग सहभागिता निभाएंगे, इसे हमारा कहाँ इनकार है, लेकिन हमारे हक अधिकार पर और हम पर ही डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है, इसका हम लोग खिलाफ करेंगे। और हमारा कहना है कि कुर्मी कुर्मी महतोल के साथ हमारा एकता रहेगा, हम एकता के समर्थक हैं, झारखंड के प्रमुख जाति है, लेकिन उनके जायज मांगों तक हम समर्थन में रहेंगे, लेकिन एकता के नाम पर हम पर भी चढ़ने की कोशिश होगा, आदिवासी समुदाय के वजूद को, उसकी पहचान को, उसके इतिहास को, उसके हक अधिकार को, उसकी जमीन को, उसकी नौकरी को लूटने का जो कोशिश होगा, इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। और आप समाज को आने वाले 5 मार्च को लेकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा साफ साफ संदेश है कि आदिवासी समुदाय के ऊपर कुर्मी कुर्मी समुदाय के द्वारा एक जंग छेड़ दिया गया है और ये आदिवासियों के ऊपर हमला है, ये हमला आदिवासियों के वजूद को, उसकी पहचान को, उसके हक अधिकार को मिटाने की कोशिश है और हम पर राज करने का ये मानसिकता चल रहा है, तो उसी के खिलाफ तमाम आदिवासी समुदाय एकजुट हो जाए। उना मुंडा संताल हो, कड़िया, तमाम आदिवासी समुदाय हैं, तमाम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, जितना है सब लोग एकजुट हो जाएं और इसके खिलाफ हम लोग जवाब दें, ताकि जो राजनीतिक पार्टियां, जो बुद्धिजीवी, जो लोग उसका गलत मांग का समर्थन कर रहे हैं, उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। बिल्कुल, हम लोग अभी बात किए हमारे आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा से। हम लोग आपको परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। हम जगदीश वाहन। अभी परिचय दे दीजिए। आनंद सिंह मुंडा। अभी परिचय दे दीजिए। बहादुर मुंडा। हम लोगों ने सभी से परिचय भी प्राप्त किए, उम्मीद है कि इस न्यूज को आप लोग जन जन तक